यूक्रेन में अब रूसी सेनाएं ऐसे बम और मिसाइलें गिरा रही हैं जो इंसानों को भाप बना दें, बंकर बर्बाद कर दें, टैंक को राख कर दें। इन बमों को पुअर मैन्स न्यूक या फिर पुअर मैन न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। ये असल में थर्मोबोरिक फ्लेम थ्रोअर होते हैं, यानी कि ऐसे हथियार जो विस्फोट के साथ ही अत्यधिक ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। इनके फटने से तेज शॉक वेव भी निकलती हैं। रूस के पास जो थर्मोबोरिक फ्लेम थ्रोअर हैं, उनका नाम है TOS-1A सॉलेंट सीपेक हेवी थर्मोबेरिक फ्लेम थ्रोअर। ये हथियार किसी भी तरह की किलेबंदी को ध्वस्त कर सकते हैं, बख्तरबंद वाहन या बंकर को उड़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, सैनिकों के ऊपर गिर जाए तो सिर्फ कंकाल ही मिले। पूरी दुनिया में थर्मोबेरिक वेपन सबसे पुराने घातक और पारंपरिक हथियारों में से एक हैं। इन्हें आम भाषा में पुअर मैन्स न्यूक्लियर वेपन यानी कि गरीब आदमी का परमाणु बम कहा जाता है। क्या होते हैं थर्मोबेरिक हथियार जो मचा रहे हैं यूक्रेन में तबाही? रूस का TOS-1 थर्मोबेरिक हथियार 220 मिलीमीटर के 30 बैरल वाली एक आर्टिलरी गन है। इसमें से रॉकेट या T-72 टैंक के गोले के जरिए इन हथियारों को कहीं भी गिराया जा सकता है। इन हथियारों की रेंज 6 से 10 किलोमीटर है। ये जहां विस्फोट करते हैं वहां पर 1000 फीट के दायरे में कुछ भी साबुत नहीं बचता। ब्लास्ट के बाद जो शॉक वेव निकलती है वो सैनिकों के फेफड़ों को फाड़ देती है। इसके बाद 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान यानी शरीर का कोई भी हिस्सा सेकेंड में जलकर राख। दुश्मन के बचने की कोई उम्मीद नहीं बचती।